सबको जोहार, मेरा नाम है मनीषा लकड़ा और मेरे और एक वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ में एक व्लॉग वीडियो शेयर करूँगी। सोची वैसे तो ऐसा नहीं कि कहीं बाहर जाके बहुत ही मज़ेदार वीडियो होगा, आज का ऐसा वीडियो कुछ नहीं है। तो घर में अभी जो सिचुएशन चल रहा है थोड़ा सा सैड सैड चल रहा है, क्योंकि रिसेंटली मेरा बिल्ली का डेथ हो गया और वो प्रेग्नेंट थी। और घर में जो मुर्गी सब हम लोगों के थे उनको भी बीमार हो गया, तो वो भी मर गए। और बतख सब जो मेरे आप लोग व्लॉग में देखे होंगे वो लोग भी बीमार हो गए, तीन थे, दो मर गए बीमार हो के और एक अभी बची हुई है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा बीमार है। तो कहीं ना कहीं ये सब देख के अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, क्योंकि ये लोग जब सही रहते हैं तो अच्छा लगता है, सब तरफ एक खुशी खुशी वाला फील आता है, लेकिन जब ये लोग बीमार होते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। वही चीज़ तो सोची आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ क्या सिचुएशन है। और हाँ, और तो कुछ नहीं, अभी दोपहर के एक बज रहे हैं और यहाँ पे कुछ सुकटी, जो हम लोगों का आदिवासी में बहुत जोगा जोगा के खाया जाता है, सुकटी साग बहुत कुछ का सुकटी होता है। तो यहाँ मेरे पास जो फिलहाल मैं आप लोगों के साथ में दिखाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी ये साग सुकटी। यहाँ पे काफ़ी सारे साग जो है मिक्स्ड है और ऐसे सुखा के जो है, जो लोग नहीं जानते उन लोगों को बोल देती हूँ, ऐसे सुखा के इसे स्टोर करके हम रखते हैं, फिर इसका हम लोग काफ़ी सारे रेसिपी बना के खाते हैं। तो वही साग अगर फ्रेश रहता है उसे हम क्या करते हैं, एक दो दिन में ही काट के खा लेते हैं, मतलब सब्जी बना के। लेकिन अगर इसे सुखाया जाए तो उसे स्टोर करके भी रखा जा सकता है और काफ़ी दिन तक यूज़ कर सकते हैं, मतलब साल भर भी चल जाता है। मतलब स्टोर करके अगर रखोगे तो साल तक हम लोग एक साल तक टिका सकते हैं, वो चीज़ ख़राब नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे ये साग सब, क्या क्या भतवा साग है, अंगठी मुद्री साग है और क्या क्या साग सब है जो कि यहाँ पे सुखाने के लिए से रखे। लेकिन आज का धूप भी उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ही हल्का सा धूप है, इस धूप में तो कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी जितना काम बनता है उतना तो चलाना है। तो देखिए आगे वीडियो। क्या का सुपटी दुनिया भर का क्या का पत्ता है, उसको बोलते हैं भतुआ, इसमें भी अंगठी मुद्री, इसमें क्या क्या है, ये थाली में रखा हुआ ये क्या क्या का है, इसमें भी सेम सुकटी ही सुकटी, सुकटी और सुकटी साग। क्या रे तुम बीमार हो रही है सुनी, ए क्या हुआ है तुमको, हाँ इसका आँख देखो, इसका आँख आँख में ना ऐसे छल्ली पड़ गया जैसे, ये क्या कलर का हाबू करती तू बेचारी, इसका तबीयत ठीक नहीं है, ये इसका अब गला से भी आवाज़ नहीं निकल रही, एक आँख तो एकदम खराब हो गया देखो, बायां तरफ आँख, ये माँ बेचार, अरे सवेरे भात खिलाया, दवा खिलाया, दवा तो नहीं खिलाया, अरे रे देखो चलने भी नहीं सक रही है, बहुत माया लगता है रे बेचारा, लोग ऐसे बीमार होके खत्म हो जा रहे हैं। खाओ खाओ खाना खाओ, तुम खाना नहीं खाएगा तो कैसे ठीक होगा, खिला देना पड़ रहा बेचारा, खाने नहीं सकते ना, अच्छा से ठूस कह रहे बाबा, ये देख ही नहीं पाता अपना आँख, सॉरी पाती है लड़की है, खाने दो खाने। ये जो है ये दिखाती हूँ, ये रिंग, जब बतख हम लोगों में तीन बतख थे तो उनके लिए तैरने के लिए कुछ चाहिए, तो उनके लिए खास ऑर्डर करके ये रिंग भी ऑर्डर दे दिए थे, जो कि आज आया, लेकिन आज आया तो आया लेकिन दो बतख जो है मर गए और अभी एक बतख ही है जो कि वो भी बहुत बीमार है, और मतलब
काफ़ी सारे अंडे दी है और उससे बच्चे भी होने वाले हैं, लेकिन इसका तबीयत ख़राब हो गया है बतख का। पता नहीं बच्चे भी हो पाएंगे कि नहीं। मतलब बहुत ही सैड टाइप का लगता है ना, इन लोगों को इतना प्यार से रख के। बाबा बहुत शौक से इन लोगों के लिए ये टब टाइप का बना के सीमेंट का ऑर्डर करा के लेके आया है। और बाबा वही बोल रहे हैं कि मैं कितना सोचा था, कितना मेरा इच्छा था कि बच्चा लोग होता तो लोग इसमें, मतलब बतख के जो बच्चे होते तो इसमें खेलते बोल के। तो ठीक नहीं होगा, वो तो मर ही जाएगा, बस कुछ दिन जिंदा रहेगा क्योंकि हालत ज़्यादा ही नाजुक है। ये इतना ही ज़्यादा बीमार हो गया है कि ये खुद से खाना भी नहीं खा पाता है पाती है, इसलिए इसको खाना भी खिला देना पड़ रहा है और पानी भी पिलाना पड़ रहा है। और इसका आँख भी नहीं दिखता है, इसका शरीर भी ठीक से, मतलब पैर वैर चलता भी नहीं है, ऐसा बीमार के पता नहीं क्या बीमार हुआ है, लेकिन इतना पता चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बीमार है। तो ऐसा खिला देना पड़ रहा है क्योंकि नहीं खा, ऐसा नहीं खिला देने से तो वो खाएगी ही नहीं और ज़्यादा बीमार रहेगी बेचारी। ब्लैकी है जी, ब्लैकी हो ना तुम, ठीक है ना, तुमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक तुमको भी प्रॉब्लम है ब्लैकी। और पुकु चुकु चुकु यहाँ पे दो ठो पक्षी का बच्चा है, पता नहीं दिखा पाऊंगी कि नहीं, इतना सीबी इम्बी लड़ंग अड़ंग के बीच में है। ये सेकेंड बैच है, मतलब बच्चा रखना पड़ेगा। अभी 2:30 बज गए हैं और मैं खाना गर्म कर रही हूँ क्योंकि ठंडा का टाइम है तो गर्म खाने का ही मन करता है, और वैसे भी कोविड चल रहा है तो कुछ भी खाना हो तो गर्म ही खाना चाहिए। और पानी भी गर्म कर रही हूँ तो अभी खाना मैं जो है गर्म करके अभी निकाल लेती हूँ, इतना लेट हो जाएगा, घर में थोड़ा सा काम भी है। आज जो मैं ये भात के साथ में, चावल के साथ में खा रही हूँ, ये भी आदिवासी रेसिपी है। ये आप लोगों को शायद ही किसी को खाते हुए, मतलब आदिवासी छोड़ के दूसरों को खाते हुए देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो है ना, ये है माड़। माड़ मतलब कि भात का जो पानी हम लोग फेंक देते हैं जब चावल पक जाता है, तो पानी जो फेंक देते हैं वो वाला पानी, उसको हम लोग फेंकते नहीं, उसे रखते हैं। और जो मैं आपको बोली दिखाई थी कि यहाँ पे जो बाहर में सुकटी सुखा रही थी, वही सुकटी बहुत रकम के होते हैं, तो ये वाला जो है टेस्ट से मुझे जो लग रहा है ये है भतवा सक्का, ऐसा मेरे को टेस्ट में लग रहा है। तो यहाँ पे टमाटर भी डाला गया है और बहुत को लोग बोरी भी डालते हैं, जैसे घर मेरे घर में भी बनाए, वो थोड़ा सा अलग वाला है, ये मेरी बड़ी माँ दी है। तो खाने में तो अच्छा ही लगता है, अब जिसको जो नहीं खाया है उसको पता नहीं है, और जो फर्स्ट टाइम खाएगा उसको थोड़ा सा अजीब लगेगा, ऐसे खाते खाते फिर उसका एक्चुअली टेस्ट जो है पता चलेगा। ठीक है चलो फिर मैं खाना खा लेती हूँ, सुकटी मार सुकटी और भात। तो इधर जो है पोरा जिसे हम कहते हैं, उस चीज़ को बाबा जो है जो भी बिखरा हुआ था उसको समेट रहे हैं, और क्योंकि गरु के खाने के लिए उसे मिक्स कर रहे हैं, क्या बोलते हैं मेरे को भी नहीं पता। तो इसलिए मैं जो है आई हूँ, क्योंकि बाबा को खाना खाने के लिए बुलाने आई हूँ, दोपहर का टाइम है, खाना मैं गर्म की हूँ तो इसलिए बुलाने के लिए आई हूँ। और ये है हम लोगों के मास्टर, हम लोगों के घर के रक्षक, जो कि बाहर मस्त में घूम रहे हैं, ये भी खाना नहीं खाए, तो इससे भी मैं बुलाने के लिए गई थी। गेड़े भी बोल रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास में फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए। तो अच्छा लगा होगा आई होप आज का वीडियो।
तो लाइक भी कर दीजिएगा, और आप अगर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय और एक बार जोहार।